हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं UPDLET फर्स्ट सेमेस्टर क्लासेस टाइम टेबल। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस की टाइमिंग क्या रहेगी और संस्कृत की स्पेशल क्लासेस चलेंगी, क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसे कमेंट्स थे और आप बहुत ही परेशान हो रहे हो कि जो हमारा संस्कृत है वो बहुत ही वीक है, हम किस तरीके से तैयारी करें। प्लस आपका जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम आपको इस चैनल के माध्यम से फर्स्ट सेमेस्टर की प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने कई बार आपके सिलेबस को पूरा खत्म कर लिया है, फिर भी हम बिल्कुल शुरुआत से डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने पूरा साइंस कंप्लीट कर लिया है, हिंदी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कंप्यूटर तो हम लोग उसका तो मतलब हम क्यों मॉक टेस्ट लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हम संस्कृत एक जो क्लासेस चलेगी और डेली चलेगी। ठीक है, किसी दिन भी संस्कृत की क्लासेस वो नहीं है कि बंद रहेगी, तो संस्कृत की क्लासेस डेली चलेगी और बहुत ही अच्छे से, क्योंकि आप सभी को जो प्रॉब्लम होती है वो होती है कि विभक्ति में हम संस्कृत में अनुवाद कैसे करें, धातु रूप को कैसे याद करें, जो श्लोक होते हैं, ठीक है, जो संस्कृत में श्लोक हैं हम कैसे याद करें, किस तरीके से याद करें, ये आप सभी के बहुत सारे डाउट्स हैं। तो फ्रेंड्स हम बिल्कुल शुरुआत से क्लियर डिस्कस करेंगे ताकि आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स मित्र को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स संस्कृत की स्पेशल क्लास चलेगी और जो उसकी टाइम रहेगी वो रहेगी रात के 9 बजे। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि मैं आप सभी को बताऊं कि सेकंड सेमेस्टर क्लासेस चलती है रात के 9 बजे, बट इसको अभी हम सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस अभी बंद करते हैं। ठीक है, हम कब तक इसको डिस्कस करेंगे, जो आप सभी को मैं बता दूं कि जुलाई मंथ यानी जब तक जैसे जून चल ही रहा है और हम जुलाई मंथ तक फर्स्ट सेमेस्टर क्लासेस बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जुलाई मंथ में 99% कंफर्म है कि आपका एग्जाम करा लिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो संस्कृत की क्लासेस की टाइमिंग रहेगी वो रात 9 बजे रहेगी और आप ज्यादा से ज्यादा रात 9 बजे जुड़िएगा। ठीक है, क्योंकि ये होता है ना कि बहुत सारे कम स्टूडेंट्स होते हैं, फिर पढ़ाने में भी वो मज़ा नहीं होता है, लेकिन कोई बात नहीं, एक स्टूडेंट रहे, दो स्टूडेंट रहे, हमें क्या मतलब है पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स कोई नहीं, आप बहुत ही अच्छे से रात 9 बजे जुड़ जाइएगा। ठीक है, और हम संस्कृत की क्लासेस बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और आप बहुत ही आसानी के साथ संस्कृत समझ सकेंगे। ठीक है, और रात 10 बजे डेली मॉक टेस्ट होता है वो वैसे ही रहेगा। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट होता है जो बहुत ही अच्छा, इससे क्या होता है रिवीजन होता है। फ्रेंड्स जैसे कि मैं आप सभी को क्लासेस टाइम बता दूं कि जो चलता है वही चलेगा, क्योंकि हमने शुरू से स्टार्ट किया है तो सिलेबस जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक हम टाइम नहीं चेंज करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं, सोमवार मंगलवार बुधवार को बाल विकास 11 बजे, ठीक है, शिक्षण अधिनियम 2 बजे और साइंस, देखिए हमने साइंस कंप्लीट कर दिया है तो अब केवल और केवल साइंस का मॉक टेस्ट होगा 5 बजे। ठीक है, और हिंदी भी हमने खत्म कर दिया है, तो आप ये खुद समझ लीजिए कि हम डेली मतलब कि 5 बजे संस्कृत साइंस और हिंदी का मॉक टेस्ट होगा। जी हाँ फ्रेंड, 5 बजे डेली साइंस और आपका जो हिंदी है इसका मॉक टेस्ट होगा, क्योंकि बिल्कुल हमने शुरुआत से डिस्कस किया था और वो खत्म हो चुका है, तो अब केवल और केवल मॉक टेस्ट रह चुका है। फ्रेंड्स देखिए, हम आप सभी को पेपर भी प्रोवाइड करेंगे और जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हैं 2016, 2017, 2015, ये हम बिल्कुल शुरुआत से डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपने सुना भी होगा अगर आपको एग्जाम अच्छे से क्लियर करना है तो अगर आप प्रीवियस पेपर सॉल्व कर लेते हो अच्छे से तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप अगर एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि उसी के बेस पे आपके एग्जाम में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से होने वाली है। देखिए फ्रेंड्स, बृहस्पतिवार शुक्रवार और शनिवार को गणित चलती है 11 बजे। ठीक है, उसके बाद सामाजिक अध्ययन 2 बजे चलता है और सामाजिक अध्ययन सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, क्योंकि ये जो है बहुत ही लंबा सिलेबस है। ठीक है, बड़ा सिलेबस है जिसको हम बहुत जल्दी नहीं खत्म कर सकते और बहुत ही अच्छे से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और हिंदी का मॉक टेस्ट होगा, जैसे कि मैंने अभी बताया हिंदी का केवल और केवल मॉक टेस्ट होगा। ठीक है,
और संडे क्लासेस में केवल और केवल मॉक टेस्ट होगा और पेपर पैटर्न की तरह हम क्वेश्चन कराएंगे कि 3 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न, लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से हम करवाएंगे ताकि आप का एक टाइम लिमिट बन सके कि क्या आप 1 घंटे में या 2 घंटे में पेपर सॉल्व कर लेते हो या फिर नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो संडे को जैसे कि 11 बजे संस्कृत का टेस्ट होगा, कंप्यूटर से डेली क्लासेस चलता है, ठीक है, 9 बजे डेली संस्कृत की क्लासेस चलेगी और उसके बाद संस्कृत का मॉक टेस्ट संडे को होगा। इससे ये आपका पता चलेगा कि आपकी जो तैयारी है वो किस तरीके से हो रही है और बहुत ही आसानी के साथ आप आंसर भी करेंगे। ठीक है, कंप्यूटर का भी मॉक टेस्ट होगा और 5 बजे मॉक टेस्ट, उसके बाद 9 बजे जो संस्कृत क्लासेस है वो चलती रहेगी संडे को भी, ठीक है, और 10 बजे मॉक टेस्ट तो वो चलता ही है। तो फ्रेंड्स, ये आप अपने फ्रेंड्स मित्र को जितने भी ये मैंने टाइम टेबल बनाया है बहुत ही अच्छा ये टाइम रहेगा, ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर आपके कोई भी डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर करिए और हमने शॉर्टली में, क्योंकि आप सभी के कमेंट्स थे कि संस्कृत क्लासेस चलाइए, तो हमने इसके लिए स्पेशल क्लास रात 9 बजे शुरू कर दिया है। आप ज्यादा से ज्यादा जुड़िएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझने वाले हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए आज की 11 बजे वाली क्लास नहीं चली, कोई नहीं, हम 2 बजे वाली क्लास में मिलते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।